मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की ताकत की अग्नि परीक्षा हो रही है। इंडिया गठबंधन के दल आपसी एकता की बात भले ही करते हो, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अलावा सपा और आप भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी मध्य प्रदेश के चुनाव में एंट्री मार दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने भी ताल ठोक दी है। जेडीयू ने मध्य प्रदेश की 5 सीट पर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद जेडीयू चुनावी मैदान में कूद गई है। जेडीयू दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है। जेडीयू ने इन 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। राजनगर सीट से राम कुंवर रैकवार पर किया भरोसा। विजय राघवगढ़ सीट से शिव नारायण सोनी को मिला टिकट। थांदला सीट से तोल सिंह भूरिया को दिया है टिकट। पेटलावट सीट से रामेश्वर सिंह घार पर किया भरोसा। वहीं इंडिया गठबंधन को पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने घमंडिया गठबंधन करार दिया है। मांझी ने कहा कि पहले तो पूरे देश में उन्होंने घूम घूम कर झूठी एकता का परिचय दिया, अब भारत के हर राज्य में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं। मांझी ने कहा कि मेंढक सिर्फ टर्टर कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। हम अपने ट्वीट के माध्यम से कहने का काम किया है कि ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन है। और बहुत पहले हमने कहा था कि कभी एकता हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मेंढक है वो टर्टर करना जानता है, लेकिन एक जगह उसकी गिनती नहीं हो सकती। उसी प्रकार से घमंडिया गठबंधन के लोग हर राज्य में अपने तरफ से आवाज उठा रहे हैं, और हद तो हो गया जब बिहार में जदयू के लोग बाहर के राज्यों में अपना कैंडिडेट दे रहे हैं, महागठबंधन के कैंडिडेट के खिलाफ दे रहे हैं। तो इससे ही साबित होता है कि ये लोग किस बोलने का प्रयास कर रहे हैं, बोलते हैं, एक साथ नहीं हो सकते हैं, ऐसी मेरी मानना है। वाकई में विधानसभा चुनाव में ही इंडिया गठबंधन तार तार होता नजर आ रहा है। पता नहीं लोकसभा चुनाव आते आते कहीं ये गठबंधन विलुप्त ही ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यू वाइफ नेटवर्क।